अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हर मुश्किल हर परेशानी से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। हदीस का मफहूम है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स पाबंदी से इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार की कसरत करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रिफ्रेशिंग सा शरबत बनाने के लिए। आप देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे फालसों का शरबत। फालसे मैंने लिए हाफ के जी के बराबर और चीनी हसब जायका, जितनी आपकी मतलब मीठा आपको पसंद है उसके हिसाब से ले लें। और इसमें हाफ टी स्पून नमक डालेंगे और पानी की ज़रूरत पड़ेगी। चले मैं इसको क्या रहे मैं इसमें ब्लेंडर में डाल के एक ब्लेंडर ले लेंगे हम। उसमें डालेंगे अपने फालसे, चीनी और ये मैंने दो चुटकी के बराबर नमक लिया है। और इसको पानी डाल के और मैं इसको ब्लेंड करके फिर आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गया है फालसों का शरबत। एक को मैंने इसको ना छान लिया है, ये बिल्कुल हमारा जो छना हुआ होता है जिस तरह से जूस वो है ये। और ये हमारा ये है कि जो हमारे फालसे भी उसमें पिसे थे वो हमने लिया है। जो इसको इस तरह से पीना पसंद करते हैं, कुछ इस तरह से पीना पसंद करते हैं, जिस तरह से चाहे आप उस क्या नाम है छान के इस्तेमाल कर लें, चाहे तो वैसे पी लें। और बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है बच्चों के लिए, तो बहुत हेल्दी है ये। ज़रूर इसको बनाएं क्योंकि अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं। हर मौसम के फल जो हैं बहुत बड़ी नेमतें हैं, तो हमें मौसम के फल ज़रूर खाना चाहिए। और जिस तरह से ही बच्चे खाएँ, आप बच्चे वैसे नहीं खा रहे, हमारे फालसे खट्टे लगते हैं किसी को, बच्चे को कुछ को पसंद नहीं होते, तो इस तरह से हम शरबत बना के दे सकते हैं बच्चों को। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।